आप अभी कह रहे थे कि और भी जो आपके लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? मैं पहले बता दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष बुलंदशहर, बुलंदशहर से भी लोग और आ रहे हैं, और मेरठ से, मुजफ्फरनगर और आगरा और मैनपुरी, एटा, सभी लोग वहाँ से चल चुके हैं। क्या पड़ी आज मीटिंग तो है ही, सरकार के साथ बातचीत है आप लोग की, तो फिर बात नहीं बनती है, समाधान नहीं निकलता है तो उसके लिए फिर आंदोलन होगा। जब तक नहीं जाएंगे, जब तक यहाँ पर MSP तय नहीं होगी सरकार द्वारा, जब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है, नहीं बनेगा। MSP कानूनन अधिकार में होनी चाहिए कि MSP से नीचे हमारी फसल नहीं बिकेगी। सरकार तो ये कह ही रही है कि MSP को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जैसे लिखित में देने के लिए क्या दिक्कत है? लिखित में दे सरकार हमें। सरकार तो कह रही है कानून बनाए, तो 800 रुपया कुंटल बिकी है, बाजरा 1200 रुपया 1100 रुपया कुंटल बिका है। सरकार ने तो पहले भी घोषणा कर रखी है, जब बिकी नहीं रहा तो सरकार तो कह ही रही है, हम तो सुनते चले आ रहे हैं। जब तक उसमें लिखित में ना हो, उसके लिए कानून ना बने, और जो बिचौलिए खरीद रहे हैं उन पर उनका लाइसेंस रद्द न होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक हम बात माने। और ऐसे कर कहने से क्या है, जो मीटिंग होने वाली है कि आप लोग को भी बुलाया गया है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे? हमें जाने की कोई बात नहीं है, वहाँ से घोषणा कर दे बस कि आपकी MSP लागू होगी, इसके लिए कानून बनेगा। हमें वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, हम तो रास्ता पे बैठने वाले हैं, अगर नहीं बना तो हम ये जा रहे। चलिए ब्रजेश, यानी किसान जो है वो अपनी मांगों पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है और MSP सुनिश्चित करने के लिए भी कानून बनाया जाए, ये डिमांड भी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जो किसान नेता और 35 रिप्रेजेंटेटिव्स आज सरकार के साथ बातचीत में मौजूद होंगे, वो क्या ड्राफ्ट रखते हैं, किस तरह से किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने रखते हैं, और सरकार कितना हल कर पाती है उन परेशानियों को। नजर लगातार बनी रहेगी इस बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।